दोस्तों रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर के थ्रू कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस के सबसे कम वाले पॉइंट पे लेकर के जाएंगे। रेजिस्टेंस का एरिया होता है, अब यहाँ पे सिंबल देख रहे होंगे ओम का, सबसे कम वाले पॉइंट पे मैं रखूंगा। उसके बाद जो है सबसे पहले इसमें ध्यान रखने की बात ये होती है कि आप दोनों सिरों को जो है रेजिस्टेंस के हाथ से नहीं पकड़ सकते। अगर हाथ से पकड़ेंगे तो आपके बॉडी का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे शो होगा, तो एक सिरे को आप पकड़ सकते हैं और सेकंड सिरे को जो है आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। अगर वैल्यू जो है शो नहीं हो रही है आपको तो इसका वैल्यू को जो है बढ़ाते जाना है। अब मैं 2000 में रखता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा वैल्यू 563 ओम्स जो है इसकी वैल्यू है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा रजिस्टर लेते हैं, एक ही रजिस्टर है हमारा। अब इसको चेक करके मैं देखता हूँ कितने ओम का है। तो सबसे पहले वापस से मैं सबसे कम वाले पॉइंट पे आऊँगा, अब इसको चेक करता हूँ ये इससे ज़्यादा का है, आगे बढ़ाता हूँ इससे भी ज़्यादा है, इसे और आगे बढ़ाता हूँ 20K में, इसमें भी ज़्यादा है और आगे बढ़ाता हूँ 2200K में मैं रखता हूँ। अब इसका वैल्यू बता रहा है 46.3, तो मतलब 46 किलो ओम का जो है ये रजिस्टेंस है। 2 लाख का ये जो है यहाँ तक आप नाप सकते हैं रजिस्टेंस को, ठीक है। अब यहाँ पे 20,000 तक का यहाँ पे नाप सकते हैं, 2000 तक का यहाँ और 200 तक का यहाँ। तो ऐसे होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस को चेक करना, सबसे पहले आपको कम वाले पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ना है, जहाँ पे वैल्यू शो हो रहा है वहाँ पे आप रुक जाए।